गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल से सूरज गड्डी 24। हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं बजाज की पल्सर 220F सीसी की बाइक है और डिज़ाइन वाइज आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा बाइक है ये। ब्लैक में ये ग्रेस कलर की स्ट्रिप दी हुई है और 220 का बैजिंग लगा हुआ है यहाँ पे। F 220F मॉडल है इसकी और ये 221 BS6 इंजन है। अगर मैं इसकी बात करूं फ्रंट प्रोफाइल की तो इसमें आपको फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं इसके डिज़ाइन की तो आप देख सकते हो सेम इसकी LED वाला हेडलैम्प है प्रॉपर और काफ़ी शार्प डिज़ाइन है इसका जो कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर की लगती है देखने में। और ये 220cc बाइक है। लेट स्टार्ट द वीडियो। इसमें जो टायर का साइज़ है ये R17 inch की टायर है इसमें और इसमें आप देख सकते हो 90/19 की R17 की मतलब इंच की टायर होगी। 17 इंच का अलॉय है। 280mm का आपको फ्रंट डिस्क हो गया और ये आपको डुअल चैनल ABS के साथ आता है फ्रेंड्स जो कि आप देख सकते हो। फ्रंट ये इसका डिस्क हो गया, ये इसका डुअल चैनल ABS है और देख सकते हो इसमें आपको मडगार्ड भी लगी हुई है। और 220cc की ये आपको बजाज की DTSI इंजन है ये प्रॉपर 220F और डिज़ाइन वाइज भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो कि आप देख सकते हो। ये भी अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की तो ये जो मैक्स पावर जो प्रोड्यूस करता है PS ये 20.4 8500 RPM पे प्रोड्यूस करता है। अगर मैं बात करूँ इसकी आपको न्यूटन मीटर टॉर्क की तो ये आपको जो है 18.3 7300 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। इवन अब अगर मैं बात करूँ इसकी बैक साइड टायर की तो इसकी आप देख सकते हो 17 इंच का अलॉय व्हील है इसमें जो कि आप देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इसकी टायर की तो 20/18 की R17 inch की जो इसकी टायर है और 17 इंच का अलॉय व्हील है इसमें। और जैसे कि मैं बताया आपको कि ये DTSI इंजन है बजाज की तरफ से 220cc की बाइक है ये। इसमें सारा कुछ चेंजेस किया गया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो इसका देख सकते हो कार्बन डिज़ाइन का ये इन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है बॉडी इसका। इवन इसका अगर मैं जो बात करूँ इसका टेल लाइट का जो इसका जो यहाँ पे दिया हुआ डिज़ाइन इसमें भी मतलब कार्बन फिनिशिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसकी सीट की जो इसका कुशनिंग है काफ़ी एलिगेंट है और काफ़ी कम्फर्टेबल है ये। पिलियन सीट अगर सीट की बात करूँ मैं तो ये भी काफ़ी अच्छा कुशनिंग के साथ मिल रहा है आपको। ग्रैब हैंडल बार भी काफ़ी अच्छा है इसका। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट साइड इसकी जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आपको मोनोसॉक इसमें सॉकर लगी हुई प्रॉपर जो कि आप देख सकते हो ये। और जो इसका इंडिकेटर है सारे बल्ब का काम किया गया है चाहे वो फ्रंट में हो चाहे वो बैक में हो। इसमें बजाज को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए क्योंकि क्या है कि इस सेगमेंट की बाइक में अब चूँकि ये जस्ट आपको कम से कम 12-13 साल पुरानी मॉडल है, हल्का सा रिवाइज्ड है, सेम डिज़ाइन है ये, हल्का सा इसमें इन्होंने जो बस चेंज किया है बस ये हल्का सा लाइनिंग और डिज़ाइन एज इट इज़ है जो चल रहा है पिछले 10 साल से। आपको 220F का ये इसका ये हो गया, CC इंजन हो गई इसकी और डिज़ाइन काफ़ी नीटी डन है ये। अगर मैं बात करूँ इसकी डिजिटल मीटर की इवन एकदम बेसिक सा है तो ज़्यादा चेंजेस इसमें हुआ नहीं है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें प्रॉपर इसमें न्यूट्रल है, ABS मॉडल है ये। ये इसका ऑडोमीटर हो गया, RPM यहाँ पे शो होगा प्रॉपर। इसमें किलोमीटर पर लीटर आपको दिखाएगी स्पीड, यहाँ पे कितना ड्रिवन है वो दिखा रहा है। IEF ये टेक्नोलॉजी जहाँ से आप कुछ देख सकते हो प्रॉपर। तो काफ़ी सिंपल एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका। यहाँ सारा कुछ आप रिसेट कर सकते हो, ट्रिप सेट कर सकते हो, यहाँ से सारा कुछ देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिकेटर शो होगा प्रॉपर। यहाँ न्यूट्रल है गाड़ी तो न्यूट्रल, अभी जैसे गियर में है तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है। और ये इसका जो है पास की लाइट है प्रॉपर। अगर मैं बात करूँ इसके स्विच की तो आप देख सकते हो ये इसका इंजन स्टार्ट एंड किल स्विच है इसमें प्रॉपर। ये इसका सेल बटन हो गया प्रॉपर, इसका हैंडल बार हो गया प्रॉपर, यहाँ पर जो है हाई बीम लो बीम टू दिया हुआ है। ये इंडिकेटर हो गया लेफ्ट राइट का, ये हॉर्न का स्विच हो गया और ये पास का हो गया। एकदम बेसिक सा इसमें सब कुछ काम किया हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस कुछ आया नहीं अभी तक। अगर मैं इसके टैंक की बात करूँ तो 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसकी जो कि आप देख सकते हो ये।
काफ़ी बड़े साइज़ के टैंक है। जो एवरेज ये देगी फ्रेंड्स, ये आपको शहर में 35-40 के आसपास कंपनी बजाज क्लेम करता है कि ये आपको एवरेज देगा। बट डिज़ाइन देखो अगर तो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। और ये इसका LED लाइट हो गया फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो ये LED इसका लाइट हो गया ये। और सेम इसमें भी आपको बल्ब का काम किया हुआ है। इसका टेल लाइट LED है और इंडिकेटर जो टर्निंग इंडिकेटर है वो सारे बल्ब का काम किया हुआ है इसमें। और डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। इवन आप ये देख सकते हो उसमें भी लाइट जल रही है प्रॉपर। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली ये इसका एक एग्जॉस्ट हो गया प्रॉपर। मैं आपको इसका अब थ्रॉटल सुनाना चाहूँगा, आप इसका थ्रॉटल भी एक बार सुन लें कैसा क्या है। बट मैं जस्ट इसमें बताना चाहूँगा जो इसका फुटरेस्ट है सारे में रबर का काम किया हुआ है। इसमें बजाज को थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि आजकल रबर थोड़ा सा हल्का चीप क्वालिटी लगता है। इवन इसमें थोड़ा चेंजेस आए तो एक अच्छा एक देखने में थोड़ा लगेगा भी, क्योंकि इस सेगमेंट की बाइक में आप प्रॉपर पूरा नीचे में भी रबर ऊपर में रबर सारे दिए हो, इसमें चेंज करना चाहिए बजाज को। अगर मैं बात करूँ इसकी हॉर्न की, तो हॉर्न में काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग हॉर्न है, 220cc की। ये आपको DTSI बजाज की तरफ से BS6 इंजन है ये, और ये मतलब आपको 220F मॉडल है ये, जो कि मैंने बताया था आपको। ये प्रॉपर ड्यूल चैनल है और ये इसका ऑयल कूल्ड है। ये मतलब यहाँ पे कूलेंट हो गया इंजन को कूल करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर। आप देख सकते हो डिज़ाइन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये था क्विक एंड शॉर्ट वीडियो बजाज पल्सर 220F। मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। अच्छा लगा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।